हेलो स्टूडेंट्स, आज के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियो में हम मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जिससे हमें पता चला था कि कितने टाइप के वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ एटम से हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को काउंट कर सकते थे। अब हम देखेंगे कि वो वाइब्रेशन कैसे होंगे। नंबर फर्स्ट इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशन। दो टाइप के वाइब्रेशन होंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वर्ड से ही पता चल रहा है, यहाँ पर कुछ स्ट्रेचिंग होंगी, यानी कि बॉन्ड कुछ खिंचेंगे, उनमें स्ट्रेच होगी। बेंडिंग मीन्स मुड़ेगा, बॉन्ड हमारा बेंड होगा, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व होगा। इसमें कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें सिंपल सा खिंचाव होगा और इसमें एंगल इन्वॉल्व होगा, यानी कि एंगल के ऊपर ये वाइब्रेशन है, यानी कि चेंज इन एंगल कह सकते हैं, चेंज इन एंगल। और यहाँ पर नो चेंज इन एंगल, इसमें कोई भी एंगल का चेंजमेंट नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल से पता चल रहा है एक जैसा। एसिमेट्रिकल यानी कि अलग अलग, जैसे कि एक मॉलिक्यूल बना के देख लें, कोई हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसी है स्ट्रेचिंग, खिंचाव, यहाँ पर खिंचाव होगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर खिंचेगा तो ये भी बॉन्ड उतना ही ऊपर खिंचेगा, यानी कि दोनों ही बॉन्ड ऊपर ऊपर सेम डायरेक्शन में खिंचेंगे, या फिर दोनों ही बॉन्ड कंप्रेस हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो केवल खिंचेंगे ही, खिंचते ही जाएंगे, अगर वो खिंच रहे हैं तो वो वापस भी आएंगे, तो कंप्रेस भी होंगे या अंदर की डायरेक्शन में। तो ये क्या है, आपका सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, यानी कि बॉन्ड एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन, इसमें क्या है, बॉन्ड अलग अलग टाइप से बिहेव करेंगे। जैसे कि सेम हम बना लें, इसमें अगर ये बॉन्ड स्ट्रेच करेगा तो ये बॉन्ड कंप्रेस करेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये स्ट्रेच कर गया और ये कंप्रेस कर गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुई। एक जैसी नहीं है ये वाइब्रेशन, यहाँ पर अलग अलग है, बॉन्ड यहाँ बड़ा हो रहा है, यहाँ छोटा हो रहा है, यहाँ पर क्या है, एक जैसा है। अगर बॉन्ड बड़ा हो रहा है तो दोनों बॉन्ड एक साइड बड़े होंगे, और छोटे होंगे तो एक ही जैसे छोटे होंगे, लेकिन एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। यहाँ जितना एंगल था वही एंगल यहाँ पर है, या फिर यहाँ जितना एंगल था वही एंगल यहाँ पर है, तो एंगल में यहाँ इफेक्ट नहीं आता है। ये सिंपल स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग बस दो टाइप की होती है, एक तो सिमेट्रिकल, दूसरी एसिमेट्रिकल। नंबर सेकंड है हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन। ये हमारा, ये फोर टाइप के होते हैं, रॉकिंग, सिजलिंग, वेविंग और ट्विस्टिंग। रॉकिंग, सिगलिंग, सिजलिंग, वेविंग और ट्विस्टिंग, इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। रॉकिंग वाइब्रेशन और सिजलिंग वाइब्रेशन, ये दोनों आपके इन प्लेन वाइब्रेशन हैं। इन प्लेन यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं, और ये वाले दो वाइब्रेशन आपके आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है। इन प्लेन वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन, इसमें दोनों एक तरीके से ये सिमेट्रिकल वाइब्रेशन है, ये अगर इधर मूव कर रहा है तो ये भी इस साइड मूव कर रहा है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन प्लेन पर हैं। ये जिस प्लेन पर मॉलिक्यूल बना हुआ है उसी प्लेन पर ये मूव कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में कर लेंगे, दोबारा घूम के जब वापस आएंगे तो इस डायरेक्शन में मूव कर लेंगे, यानी कि ये दोनों इस तरीके से मूव कर रहे हैं, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, यानी कि पंखे की तरह ये इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन प्लेन में। यहां पर क्या है, सिजलिंग में ये दोनों या तो एक साथ आएंगे, दूर जाएंगे, एक साथ आएंगे, दूर जाएंगे, ये इस टाइप का वाइब्रेशन है। पहले वाले में दोनों एक साथ इधर उधर मूव कर रहे थे, और इसमें दोनों या तो अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, तो दोनों में ही आप देख रहे हैं एंगल में फर्क आ रहा है। इनमें, इसमें आपस में तो एंगल में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ के एंगल में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर इसमें भी एंगल में डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एंगल में आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि जब ये अंदर आएंगे तो ये दोनों एंगल छोटा हो जाएगा और बाहर वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, जब ये बाहर जाएंगे तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा और बाहर वाला एंगल छोटा हो जाएगा। सिमिलरली
तो ये हो गया एक प्लेन में, यानी कि जो भी कुछ काम हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है, दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं या फिर दोनों यहाँ यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। ये इन प्लेन वाइब्रेशन है। अब ये दोनों वाइब्रेशन आपके आउट ऑफ प्लेन होते हैं, वेविंग और ट्विस्टिंग। यहाँ प्लस और माइनस साइन लगा है। प्लस और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये प्लेन से अंदर या बाहर जा रहे हैं। जैसे हमारे इस पेपर पे ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ये प्लस साइन यानी कि दोनों ही एक साइड बाहर आ रहे हैं एक ही साथ, और दोनों ही या फिर प्लेन के पीछे की साइड जा रहे हैं। यानी कि अगर हमारा ये प्लेन है, इस प्लेन को देखें, तो ये दोनों एक साथ इधर आ रहे हैं, दोनों एक साथ पीछे जा रहे हैं, दोनों एक साथ आगे आ रहे हैं, दोनों एक साथ पीछे जा रहे हैं। तो ये हो गया वेविंग, यानी कि वेव की तरह ये आगे पीछे दोनों एक साथ हो रहे हैं। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में क्या है, एक आगे आ रहा है एक पीछे जा रहा है, यानी कि एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, इस तरीके से ये दोनों मूव कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। तो एंगल में चेंजमेंट आएगा, हर बार आएगा, जब भी आपके सारे बॉन्ड एक साथ हो रहे हैं तो ये एंगल में यहाँ पर सब जगह डिफरेंस आएगा, क्योंकि जैसे ये आगे आएगा तो ये एंगल इनके बीच का भले ही एंगल चेंज नहीं हो, लेकिन ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल का एंगल है वहाँ चेंजमेंट आएगा। तो इन सभी में एंगल में चेंजमेंट होगा, ये सारे एंगल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बस ये इन प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है। तो टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हुए, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, जिसमें सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और बेंडिंग में हमारे चार टाइप के होंगे, रॉकिंग, सिजलिंग, वेविंग और ट्विस्टिंग। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ वाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में किस टाइप से हमारा वाइब्रेशन होता है। ये लीनियर मॉलिक्यूल है, अभी जो हम देख रहे थे वो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बना के उसमें देखा था, अब हम देख रहे हैं लीनियर मॉलिक्यूल का। ये आपके पेपर प्रॉस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे तैयार रखना है CO2 के लिए। इससे पहले लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वहीं से शुरू करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि ये लीनियर है तो 3n-5, वहाँ स्मॉल n इस्तेमाल किया था, यहाँ कैपिटल n कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप यहाँ पर n डिफाइन कर दें कि वो क्या है। तो CO2 में n कितना है, 3, क्योंकि यहाँ 3 एटम्स हैं इसीलिए n इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा, 3 × 3-5, दैट इज़ 9-5 इज इक्वल टू 4। तो टोटल वाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आएंगे 4। किस किस टाइप से ये वाइब्रेशन होंगे, CO2 मॉलिक्यूल हमें पता है इस टाइप का होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एक तो होगा इसमें, यानी कि दोनों बॉन्ड बाहर जाएंगे, दोनों बॉन्ड अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, ये हो गया सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये आपका IR इनएक्टिव है, IR एक्टिविटी भी हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, उसमें क्या था, हमारा नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो यहाँ कोई भी चेंजमेंट, क्योंकि जितना ये ऑक्सीजन जितना डाइपोल होगा उतना ही यहाँ होगा, तो दोनों साइड पोल सेम टाइप का है, यानी कि कोई भी काउंटर हो रहा है, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये नेगेटिव है, तो दोनों साइड एक ही जैसा है, तो ओवरऑल यहाँ पर एक ही पोल क्रिएट हो रहा है, डबल पोल नहीं क्रिएट हो रहा है, डाई पोल नहीं क्रिएट हो रहा है, और बॉन्ड के एक जैसे स्ट्रेच करने की वजह से वो पोल सेम रहेगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, तो जितना ये कैंसिल करेगा उतना ही ये भी कैंसिल करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये क्या है, IR इनएक्टिव। आगे बढ़ते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, यहाँ पर क्या होगा, एसिमेट्रिकल अभी देखा था कि एक बॉन्ड ज़्यादा बढ़ेगा, एक बॉन्ड कंप्रेस होगा, एक स्ट्रेच होगा एक कंप्रेस होगा, वाइस वर्सा हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इस साइड ये स्ट्रेच होगा और इस साइड ये कंप्रेस होगा, तो हमने एक मोड बना दिया है केवल। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, यहाँ पर IR एक्टिव होगा क्योंकि ये बॉन्ड एलोंगेट हो गया, हमें पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस बड़ी हो गई, यहाँ डिस्टेंस छोटी हो गई, चार्ज हमारा दोनों में सेम है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ डाइपोल क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या था, यहाँ हमारे में दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज सेम था, डिस्टेंस भी सेम थी, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग थी, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा था, दैट इज IR इनएक्टिव। यहाँ पर नेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, IR एक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें चार तरह के वाइब्रेशन है, दो हमारे हो गए, इसमें दो और वाइब्रेशन होंगे, एक तो बेंडिंग इन प्लेन, प्लेन पर हमारी बेंडिंग होगी, प्लेन पर ये सारी चीज़ें, स्ट्रेचिंग तो प्लेन पर ही होती है, ये भी प्लेन पर होगी, यानी कि कार्बन नीचे आएगा ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
कार्बन नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन ऊपर थोड़ा, तो ये क्या हुआ, बेंडिंग हुई, एंगल में चेंजमेंट हुआ, बॉन्ड में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, बॉन्ड डिस्टेंस जितनी है उतनी है, लेकिन एंगल में चेंजमेंट हुआ। तो अगर अब यहाँ क्या है, काउंटर अगर हम देखें कि हमारा इनएक्टिव हो रहा है कि नहीं, तो जितना इस डायरेक्शन में आ रहा है ये इस डायरेक्शन की तरफ हो गया, और अगर उतना ही इस डायरेक्शन में आ जाता तो ये क्या हो जाता, इनएक्टिव हो जाता, लेकिन इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है इसीलिए ये एक्टिव है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में हमारा कुछ होना चाहिए, यानी कि ओ ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो दोनों की अलग है लेकिन साइड एक ही है, तो इसके अपोजिट साइड में कोई भी चीज़ नहीं है, इस साइड में कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी चार्ज कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर डाइपोल क्रिएट होगा, इसीलिए ये क्या है, IR एक्टिव। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ वेविंग और सिजलिंग वो सारे सारे नहीं होंगे क्योंकि ये लीनियर कंपाउंड है, यहाँ पर चार ही होंगे, एक बेंडिंग, एक ये वाला हो गया और एक नॉन बेंड, एक हमारा होगा आउट ऑफ प्लेन, ये इन प्लेन था, ये बेसिकली था आपका इन प्लेन और ये वाला आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में हम प्लस माइनस दिखाते हैं, अब की बार हम इसे प्लेन में ऐसे नहीं दिखा सकते, हमारा मॉलिक्यूल पूरा प्लेन में ही है। ऑक्सीजन ये इस तरीके से है, सपोज हम दो पेन से दिखा दें, ऑक्सीजन यहाँ पर है मिड में, तो ये इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन इस तरीके से होगा, दोनों ऊपर आएंगे या दोनों नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन तो इसका ये है लेकिन ये ऊपर आ रहे हैं इस तरीके से, बेंट हो रहे हैं और नीचे भी बेंट हो रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है ये बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है, ये भी IR एक्टिव होगा क्योंकि जब ये ऊपर आएंगे तो इसका काउंटर पार्ट यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे ये वाले ब्लैक पेन का काउंटर पार्ट यहाँ नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं है, ये भी ऊपर है, इसीलिए ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा और ये IR एक्टिव होगा। हर मॉलिक्यूल के, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के हम वाइब्रेशन नहीं जान सकते, सारे वाइब्रेशन हम गेस नहीं कर सकते, ये हमें IR से पता चलते हैं, इसीलिए हम कुछ कंपाउंड्स के ही पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में ये कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे तैयार कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही।